हरियाणा में आए दिन हो रही भर्ती घोटालों के लिए सरकार को घेरने के मकसद से हरियाणा युवा कांग्रेस ने आज पंचकुला सेक्टर 2 स्थित HSSC दफ्तर के बाहर भर्ती कीर्तन का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा के नेतृत्व में आयोजित इस रचनात्मक कार्यक्रम में भजन गाकर हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी और नौकरी घोटालों से निजात के लिए प्रभु श्री राम से गुहार लगाई गई। कीर्तन के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा कि हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जो उम्मीद थी वह खत्म हो चुकी है। सरकार के फेल हो जाने के बाद अब इस प्रदेश के युवा भगवान भरोसे हैं। बुद्धिराजा HSCC दफ्तर के बाहर सैकड़ों बेरोजगार युवाओं के साथ भर्ती कीर्तन में भाग लेने पहुंचे थे। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में नाकाम रही भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में पूरे देश में पहले स्थान पर है। बीजेपी JJP सरकार निरंतर प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। जी, आज भर्ती कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? हिंदुस्तान के अंदर आज पहली बार हरियाणा में एक भर्ती कीर्तन का आयोजन हुआ है। प्रदेश में हालात ऐसे बन चुके हैं कि सरकारी रोजगार पर यह सरकार ताड़ा जड़ के बैठी। CET ग्रुप सी की भर्ती हो, ग्रुप डी की भर्ती हो, TGT की भर्ती हो, PGT की भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, MPSW मेल की भर्ती हो, JBT की भर्ती हो, स्पोर्ट्स की भर्ती हो, ये सारी भर्तियां आज खट्टर साहब कुंडली मार के बैठी है। हालात ये हैं कि पिछले 4.5 साल के शासनकाल में हरियाणा सरकार से हरियाणा के नौजवानों की उम्मीदें खत्म हो चुकी। ना उम्मीद हरियाणा का नौजवान मजबूरन आज विदेशों में पलायन कर रहा है। आज हालात ये हैं कि या तो विदेशों में पलायन हो रहा है और या फिर आज हरियाणा का युवा नशे की गिरफ्त में फंस रहा है। आज हम यहां HSSC दफ्तर के बाहर आज हम यहां भर्ती कीर्तन करने बैठे हैं क्योंकि हमारी उम्मीदें इस सरकार से खत्म हो चुकी हैं। इसलिए प्रभु श्री राम के चरणों में आज हम यहां अरदास करने बैठे हैं कि इस खट्टर साहब को और इस हरियाणा सरकार को शायद हरियाणा के बेरोजगारों की चीखें सुनाई नहीं दे रही। इसलिए हम एक आखिरी अपील प्रभु श्री राम के चरणों में करने आए हैं कि हे प्रभु श्री राम, इस सरकार के तो बस की बात नहीं है, आपसे ही हमारी उम्मीद है कि आप हरियाणा के बेरोजगारों को रोजगार दें। आप हरियाणा के जो बेरोजगार पिछले 3.5 साल से सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, आप उनकी मुराद पूरी करें। और हम तो ये भी कहेंगे कि प्रभु श्री राम हमें रोजगार कोई चमत्कार करके दिलवाएं और हम पहले वेतन से अयोध्या धाम भी हम घूम के आएंगे। इसके लिए आज हमारा यहाँ भर्ती कहीं जय श्री राम बीजेपी कहती है, आज हरियाणा यूथ कांग्रेस भी जय श्री राम का सारा नहीं है। ये बात राम जी का मंदिर हर व्यक्ति के घर पे, मेरे घर पर भी है, शायद आपके घर पे भी होगा, सभी नौजवानों के घर पे। आज हमारी आखिरी उम्मीद, क्योंकि जब आदमी हर जगह से फंस जाता है तो आखिर में प्रभु के चरणों में जाके अरदास करता है कि हे प्रभु, आप मेरा इस कष्ट से, मेरा इस जो दुविधा, इससे निवारण करें। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये 4.5 साल में हमने नारे लगा लगा के, धरने दे देकर, यहाँ के बैरिगेट तोड़ तोड़ के, HSSC के, CM आवास के घेराव कर करके हम थक चुके, हम छक चुके हैं। अब हमारी तो एक आखिरी उम्मीद प्रभु श्री राम है कि प्रभु श्री राम हमारी जो है मुरीद पूरी करें, हरियाणा के बेरोजगारों को रोजगार दें। कोई चमत्कार ही करेंगे प्रभु श्री राम कि जिसके कारण हरियाणा के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और उसी के लिए आज ये नौजवान साथी या HSSC के बाहर आज हम लोग भर्ती कीर्तन करें। एक आपने एक बात और कही कि ताला लगा देना चाहिए इस ऑफिस को। बिल्कुल ताला लगा देना चाहिए, जब यहाँ से कोई भर्तियां ही नहीं निकल रही। पिछले 3.5 साल में ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, ये सरकार कहती थी कि हम हर साल में 2 बार CET कराएंगे। 32,000 ग्रुप सी का वादा किया था और 13,500 से ज्यादा ग्रुप डी का वादा किया था। अभी आनंद फानन में 8,500-9,000 भर्तियां कैसे भी पूरी करी, उनको भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दी है और उसके रिजल्ट्स में इतनी खामियां हैं कि ये नौजवान, हमारी बहनें, हमारे भाई धरने पर बैठे हैं। जब इस दफ्तर के अंदर से किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही तो क्या जरूरत है इस दफ्तर के अंदर मोटी मोटी तनख्वाहें देने का? हरियाणा सरकार इस दफ्तर को ताड़ा लगा दे। अगर इस दफ्तर का कोई काम ही नहीं है तो हमने इस दफ्तर का अचार डालना है, जब यहाँ के बैठे अफसर काम ही नहीं कर रहे, यहाँ से कोई आउटपुट ही नहीं है, तो HSSC दफ्तर की कोई जरूरत नहीं है, इस दफ्तर को ताला लगा देना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। मनोहर लाल खट्टर जी, लोकसभा सीटों की तो आप बाद में बात करना, पहले आप ये बताओ कि 10 साल के शासनकाल में आपने कितने हरियाणा के लोगों को रोजगार दिया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री,
जो झूठे वादे करते हैं, जो झूठी झूठी मीडिया के अंदर स्टेटमेंट देते हैं, मैं चैलेंज करता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री को, अगर दम है तो आप 10 साल के अपने शासनकाल के जितनी आपने नौकरियां दी हैं आप वो कागज लेके आओ और 10 साल का कच्चा चिट्ठा हम लेके आएंगे, मीडिया मौजूद होगा, हरियाणा के लोग मौजूद होंगे और फैसला हो जाएगा कि आपने लोगों को रोजगार दिए हैं या नहीं दिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।